नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आदिपुरुष के मेकर्स फिल्म को लेकर के चौतरफा मुसीबतों से घिर गए हैं और वो इस मुसीबत को झेल भी रहे हैं। डायलॉग से लेकर के वीएफएक्स तक कई बातों को लेकर के आदिपुरुष को ट्रोल किया जा रहा है। वहीं काठमांडू में तो फिल्म को बैन ही कर दिया गया। अब आदिपुरुष के मेकर्स ने इस पर प्रतिबंध को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि आदिपुरुष के एक डायलॉग में ये दावा किया गया था कि सीता भारत की बेटी है, जबकि रामायण के अनुसार उनका जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था और भगवान राम ने वहां आकर उनसे शादी की थी। फिल्म के इसी संवाद को लेकर के काठमांडू में बवाल मचा था। काठमांडू में मेयर बालेन शाह ने इस फिल्म को बैन करवा दिया। अब इसी को लेकर के ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म और टी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म को लेकर के और सीता के जन्म स्थान को लेकर के जो गलती को ठीक नहीं किया गया, इसको लेकर के काठमांडू के जो प्रशासन है उन्होंने तो अनुमति नहीं दी, लेकिन मेकर्स की ओर से एक खत लिखा गया है। दरअसल मेयर बालेन शाह को एक खत लिखकर नेपाल की राजधानी के सिनेमा घरों में हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित फिल्म को प्रदर्शित करने की मांग की गई है। मेयर बालेन शाह को खत लिखकर नेपाल की राजधानी के सिनेमा घर में हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन और प्रतिबंध लगने पर चिंता व्यक्त की गई है। अब वहीं टी सीरीज की ओर से बालेन शाह को एक खत लिखा गया और कहा गया कि अगर हमने किसी भी तरह से नेपाल के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है तो हम सबसे पहले इसकी माफी मांगना चाहते हैं। ऐसा जानबूझ करके या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से नहीं किया गया। भारतीय होने के नाते दुनिया भर में महिलाओं का सम्मान करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि फिल्म को कलात्मक रूप से देखें और इतिहास में इसका नाम शामिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फिल्म को पहुंचाने की भावना से हमारा समर्थन करें। मेयर की चेतावनी के बाद काठमांडू के सिनेमा घरों में इस फिल्म को स्क्रीनिंग नहीं की गई थी। इस फिल्म को बैन कर दिया गया था और अब इसकी स्क्रीनिंग पर लगे बैन को हटाने के लिए माफी मांगी गई है और साथ ही ये मांग की गई है कि इसको कलात्मक रूप से देखा जाए। नेपाल के सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म की अनुमति को वापस लेने का फैसला लिया है। अब देखना ये होगा कि नेपाल की सरकार की ओर से अब इस पर क्या प्रतिबंध हटा दिया जाएगा या फिर कोई और एक्शन लेने के लिए नेपाल की सरकार तैयार है।